मैं एमडी गंगबोई ग्राम अर्जुनी से धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, जो आज मैं ग्राम रीवा गहन बालोद जिला में एक किसान भाई की उसके गन्ने की खेती की जानकारी लेने पहुंचा हूं। तो चलते हैं अपन किसान भाई के पास। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? राकेश कुमार मोहन माला, ग्राम रीवा गहन, पोस्ट खेरथा बाजार, थाना देवरी बंगला, जिला बालोद। आप गन्ने की खेती ये पहली बार है कि और इसके पहले की है? पहली बार कर रहा हूँ सर इस साल। अच्छा, आप गन्ने की खेती के बारे में मतलब आपको कोई प्रोत्साहन किए थे? मेरे को किसी ने नहीं बताया था इसके बारे में, लेकिन अन्य लोगों को देखकर, अन्य किसानों को देखकर मेरे मन में ये हुआ कि गन्ना की खेती करना चाहिए। हाँ। ऐसे करके खुद मैं गन्ना की खेती को और गया और रासायनिक खेती करना चाहता था। अच्छा, उसी बीच में मेरे को देव कुमार साहू ने मिल गया। अच्छा अच्छा, और रसायन मुक्त खेती करो डॉक्टर साहब करके मेरे को बोले। अच्छा, तो रसायन मुक्त खेती में आप क्या डालेंगे? ये धनवंतरी का RPS 76 से डाला हूँ। ये वाला? अच्छा, ये RPS 76। तो ये RPS 76 डालने से पहले कुछ और? इसके पहले मैं कुछ नहीं डाला हूँ। इसके पहले मेरे पास कृषि विस्तार अधिकारी भी आया था, कृषि विस्तार अधिकारी मेरे खेत में आया था और ये डालने के लिए बोला था। मैंने नहीं, इस तरीके से मैं खेती नहीं करूँगा करके बोला, और इसी प्रकार से RPS से ही खेती कर रहा हूँ। इसको 200 लीटर पानी में 200 ml लिक्विड डाल के बीज को 12 से 15 घंटा उपचार किया हूँ, उसके बाद दूसरे दिन लगाया। तो इसमें अभी रासायनिक खाद कुछ भी नहीं डाले हैं? इसमें अभी कुछ नहीं डाला हूँ, मतलब केवल RPS की। RPS से ही फसल तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, RPS के बारे में आपको कौन बताया था? मेरे को देव कुमार साहू जी ने बताया था। अच्छा, देव कुमार साहू जी। हाँ। तो RPS 76 के बारे में आप सर को पहले फोकस किए थे, क्या बताया था? सबसे शुरुआत में बताया था सर, ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन जब ट्रायल करके देख लेते हैं तो मैंने बोला था सर कि हम लोगों ने अभी कुछ जगह में बीज उपचार से शुरुआत किए थे तो जर्मेशन 7 से 8 दिन में आ जाता है, ऐसा बताया था। तो सर का रुझान बढ़ा कि ऐसा हो सकता है क्या, तो वहाँ पर अपन ने 7 से 8 दिन में जर्मेशन भी लिए हैं, सर की ही खेत में लिए हैं, कहीं और नहीं, और बहुत अच्छे से जर्मेशन है। और ये फसल अभी करेक्ट 26 फरवरी का ट्रांस मतलब लगाया हुआ पौधा है, जो बीज लगाए हैं वो, और आज 15 अप्रैल है। तो रसायन मुक्त मतलब पूरी आप बोल दिए थे कि रासायनिक खाद नहीं डालना? नहीं, रासायनिक खाद का सहारा तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि पहले साल है, इसलिए सहारा लेना ही है। जब इसमें निंदाई गुड़ाई करेंगे और मिट्टी पैक करेंगे उससे पहले खाद डालना ही पड़ेगा, 50% तो पहले साल खाद का सहारा लेना ही है। लेकिन हमारे गन्ने के ऊपर और मक्के के ऊपर खाद की मात्रा 200-400 किलो से ज़्यादा जाता है सभी खाद मिला के, उसको हम 50% करेंगे। लेकिन सर जी तो बता रहे हैं यहाँ कि बिल्कुल रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया हूँ अभी, नहीं, और केवल RPS ही डाला हूँ। हाँ, फिलहाल अभी RPS का ही रिजल्ट है ये, इतना तो दिन का। RPS में जब इतने अच्छे रिजल्ट आया हुआ है तो कहना चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि पेड़ की ग्रोथ अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज पूरी 2 माह हुआ नहीं है, इसमें कम समय है। तो RPS 76 के बारे में आप किसान भाई को कुछ और अन्य किसान भाई उसको कुछ संदेश देना चाहेंगे? अन्य किसान मतलब भी मोर यही गुजारिश है, RPS 76 से ही अपन खेती करन और रसायन मुक्त खेती करन, ओकर से हमारे स्वास्थ्य में भी और खेत में भी सुधार हो सकते हैं। आपके और जो अन्य साथी जेकर आप खेत में गे रहे हो देखे रहे है ना, ओकर गन्ना में और आपके गन्ना में कितना अंतर लगत है? ओकर गन्ना और मोर गन्ना में बहुत अंतर लगत है, है ना। और ये बात ला आके कृषि विस्तार अधिकारी भी बताई और आश्चर्यचकित हो गए कि मोर गन्ना के जर्मिनेशन ला देख के, और अन्य किसान मन ला भी यही बात ला बताबो ऐसे करके बोली से। तो क्या अपन जैसे और आपके मित्र है जो गन्ना लगाते हैं उन लोग रासायनिक खाद का भी प्रयोग बताए थे कि वो भी रासायनिक खाद से ही करते हैं ना? हाँ, उन लोग रासायनिक खाद से ही करते हैं। अच्छा,
चलो ठीक। तो मैं ये RPH 76 के बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाह रहा हूँ कि RPH 76 में हमारे भाई साहब ने जो गन्ना की खेती की है, जिसमें प्योर अभी तक भी इसमें किसी प्रकार की रासायनिक खाद नहीं डाले गए हैं, तो हम बता दें कि हमारा कहने का मतलब, हम बताते हैं लोग को तो ये बताते हैं कि तीन फसल, तीन मतलब तीन साल के बाद पूरी रसायन मुक्ति। लेकिन यहाँ भाई साहब को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट ही साल में रसायन मुक्त कर देगा, क्योंकि अभी तक इसमें कोई केमिकल डला नहीं है और इतनी अच्छा फसल। मैं और कई जगह गया हूँ, गन्ने की खेती देखा हूँ, उसमें इस टाइप से फसल नहीं देख रहा था। तो ये हमारी RPH 76 में ऐसा तत्व है जो हमारी कंपनी के CMD सर ने ऐसा चीज़ बनाया है कि धरती माता को तो सुधारेंगे, और इसमें किसी प्रकार की कोई केमिकल नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है। जो मैं डॉक्टर महेंद्र साहू राकेश कुमार बोल रहा हूँ जी डिस्ट्रीब्यूटर से। सर आपने जो गन्ने का जो फसल अभी अपन यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत अच्छा शानदार फसल है जी। इसमें आपने जो एक प्रोडक्ट उपयोग किया धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर का ना RPH 76 करके, तो आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि आपने RPH किस मात्रा में और कैसे उपयोग किया। RPH का उपयोग मैं शुरुआत में उसको जर्मिनेशन के लिए 200 लीटर पानी में 200 ml RPS डाल के बीज को उपचार किया। उसके बाद 15 से 16 घंटे बाद उसको लगवाया जी। उसी प्रकार से पूरे मतलब पूरा बीज उपचार करके ही लगाया हूँ। अच्छा अच्छा, आप ये जो ऐसा किए हैं तो ये कितने एकड़ खेत में जो आपने स्टेप से बीज उपचारण करके आपने गन्ना का फसल लगाया है? 1 acre 65 decibel है टोटल यहाँ पे रकबा। अच्छा 1 acre 65 decibel में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और अभी आपका मैं सोचता हूँ 15 days का ये है, 50 दिन का फसल है ये मिनिमम, है ना, बहुत अच्छा ग्रोथ है। आप किसान भाइयों को थोड़ा सा और बताएंगे कि RPS के अलावा आपने क्या रासायनिक का कोई और प्रोडक्ट उपयोग किया है क्या? पोटास, सल्फर, यूरिया, DP, कुछ भी इस 50 दिन में आपने उपयोग किया है? अभी तक तो नहीं किया हूँ, लेकिन आगे करना है, कम मात्रा में करना है जी। जी जी, ऐसे करके बतलाए मेरे को जी जी। वो इसलिए है कि हैबिटेशन हो गया है जमीन को, है ना, इसका हम कर सकते हैं। बाकी देखने से तो नहीं लग रहा है कि हमको रासायनिक डालना पड़े, पर आने वाला समय कुछ भी हो सकता है, अपन कर सकते हैं उपयोग, है ना। इसके बाद वो जो सेकंड राउंड, पहले तो आपने बीच में उच्चारण किया, सेकंड में क्या स्प्रे किए हैं, डिंचिंग किए हैं, ऐसा कुछ किए हैं क्या? और सेकंड में 10 से 15 दिन के बीच में डिंचिंग किया हूँ। किया है तो क्या डोज में किए हैं उस डिंचिंग किए? जो 60 ml प्रति पंप। 60 ml प्रति पंप, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया यहाँ पर रिजल्ट लिया है RPS 76 से, जो 100% ऑर्गेनिक है। मैं किसान भाइयों को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारा ये धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर का जो प्रोडक्ट है RPS 76 करके, वो भारत सरकार गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन से आप रजिस्टर्ड है ये, और ये मतलब किसी भी प्रकार से इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कि ये जो है इकोसर्ट से भी मान्यता प्राप्त है। इकोसर्ट एक ऐसा कंपनी है जो ये साबित करता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो मानव जीवन के लिए, यहाँ तक कि ज़मीन के लिए, और ना ही किसी भी एनिमल के लिए नुकसानदायक है। बस मैं इतना कह करके अपने वाणी को इनाम देना चाहूँगा। जय जय धनवंतरी। जय जय धनवंतरी।